2018 में हैशटैग मीटू की मुहिम की शुरुआत करने वाली अदाकारा तनुश्री दत्ता फिर एक बार भड़की नाना पाटेकर पर। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनुश्री ने बताया कि उन्होंने अब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया है कोर्ट में, जिसकी फर्स्ट हेयरिंग 17 जनवरी को होगी और यह इस केस की पहली हेयरिंग होगी जहां पहली बार तनुश्री को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाना पाटेकर पर आग उगलते हुए हमने तनुश्री को अक्सर ही देखा है, तो वही इस बार भी वो इसी अंदाज में नजर आई। इतना ही नहीं, तनुश्री ने इस दौरान तो नाना पाटेकर की तुलना आसाराम बापू से भी कर दी। इतना बदनाम किया इन लोगों ने मुझे, इतना बदनाम किया, इतनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में बोली, इतनी गंदी गंदी बातें क्यों? अपने गुनाह को छुपाने के लिए। और उस वक्त जब मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं ये गलत है, आपने आपका यहाँ पे होना नहीं है, तो उनको ईगो में हर्ट हो रहा था कि ये क्या लड़की है हमको मना कर रही है, ये ईगो अहंकार है। तो आज फंसो केस में, तुम्हारे अहंकार के लिए तुमको लगा कि तुम किसी लड़की का करियर खराब कर दोगे, तुम किसी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दोगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के उसके सारे जो सूत्र हैं इनकम के वो बंद कर दोगे। तुमने ये नहीं सोचा कि एक दिन वो शायद आएगी वापस, वही हुआ ना फिर पिछले साल। और पुलिस तो हमारे देश की पुलिस का तो फिर बात ही क्या है, आज तो सब देख रहे हैं उनके कांड हरकतें। बी समरी रिपोर्ट फाइल कर दी, इतने सारे एविडेंस हमने जुगाड़ करके उनको जमा करें, मीडिया में एविडेंस आई, जो विटनेसेस है मीडिया में आके उन्होंने सब कुछ बोला, अपना पक्ष रखा। सो मोटो आए एंड पूरी पब्लिक, इंडिया की पब्लिक ने विटनेसेस को सुना, इंडिया की पब्लिक ने देखा गाड़ी तोड़फोड़, वो हरासमेंट नहीं था। आपके सेट पे गुंडे आके आपकी हीरोइन के की गाड़ी तोड़ रहे हैं आप ही के सेट पे, और उसके कंप्लेंट करने के बाद ये 2+2=4 नहीं होता कि हीरोइन ने कंप्लेंट करी कि उसको तकलीफ हो रही है, फिर शूटिंग रुक गई, फिर मीडिया वाले आ गए, फिर वो वहाँ से निकल रही है और गाड़ी गुंडों ने आके 2+2=4 करना तो सबको आता है ना, तो क्या पुलिस को पुलिस का तो काम ही है 2+2=4 करना, उनका तो काम ही इन्वेस्टिगेट करके मैटर की तह तक पहुंचना। लेकिन नहीं ना, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं और मेरे पास तो है नहीं करोड़ों रुपए, क्योंकि अगर मुझे मौका दिया गया होता काम करने का तो मेरे पास भी आज करोड़ों रुपए होते ना, आज मैं भी, मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मुझे शायद जस्टिस मिलती, शायद मुझे इज्जत भी ज़्यादा मिलती। भैया आजकल तो मुझे तो इस समझ में आ गया है, दुनिया की रीत मैंने देख ली, पैसे होते हो तो इज्जत देते हैं लोग, पैसे होते हैं तो जस्टिस इंसाफ भी मिलता है, और पैसे नहीं होता आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा ना ही इज्जत मिलेगी। तो है उनके पास पैसे, और पैसे कहाँ से है? नाम फाउंडेशन गरीब फार्मर्स के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए लेती है कॉरपोरेट से। ये जो नाना पाटेकर का नाम फाउंडेशन है, ये जो इमेज उसने बना के रखी है ना कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो एक घर में रहता हूँ, ये ढकोसला है, झूठ है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम कितने विनम्र है, कि कुछ नहीं, ये ढकोसला है। आप लोगों को उल्लू बनाना सबसे आसान काम है, सफ़ेद टोपी पहन लो, सफ़ेद कुर्ता पहन लो। अरे भाई सफ़ेद कुर्ता तो वो भी पहने हुए था, क्या उसका नाम था, आसाराम बापू, सफ़ेद कुर्ता पहन लो, एक मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बस संत बन गया। तुम जाके देख रहे हो वो जो पैसा कलेक्ट कर रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है? फार्मर्स के नाम पे करोड़ों रुपए उसके नाम फाउंडेशन में आए हैं, कहाँ गया? कुछ महीने पहले मैंने सुना, हाँ, फ्लड विक्टिम्स के 500 घर बन रहे, तुमने जाके चेक किया वो घर कहाँ है, बने कि नहीं घर, किसी ने जाके चेक किया? ये एक के बाद एक गुगली मारता है नाना पाटेकर, और तुम लोग बिलीव भी करते हो। हाँ, मैं कल बोलूँगी मैं टिम्बकटू की महारानी हूँ, मानोगे तुम लोग? मेरा चांद पे एक महल है, मैंने भी चांद पे महल बनवाया है, इसने 500 घर बनवाए ना यहाँ पे, मैंने ब्रह्मांड में 500 एलियंस के लिए घर बनवाया है, मानोगे तुम लोग? नहीं। किसने जाके देखा 500 घर बनाया है? लेकिन 500 घर के लिए फंड तो कलेक्ट किया है फॉर श्योर। एनजीओ चलाने वालों का की कोई छांट और तांग झांक नहीं होती यहाँ पे। मुंबई में फिल्म शिकारा का ट्रेलर लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि फिल्म ट्रेलर लॉन्च के मौके पर यहाँ म्यूजिशियन मिस्टर एआर रहमान, विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म की स्टार कास्ट भी प्रेजेंट हुई।
सभी यहां पर बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। तो वहीं ट्रेलर लॉन्च के बाद विनोद चोपड़ा ने बताया कि यह फिल्म उन्होंने अपनी मां के लिए बनाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फिल्म में कोई भी बॉलीवुड का बड़ा एक्टर नहीं लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो यह फिल्म बॉलीवुड की हो जाती। I personally think that the evolution of human beings is to heal, and we are almost selfish sometimes. We don't think about our children. We don't think about their state when what we're going to give to them. And it's important to heal all the wounds of the past. And so there's no ego here. Everybody's hurt everyone. Some people have hurt more, some people less. But the human beings have this corrupt mind to, you know. And I feel like this movie is a healing movie. It's about getting that bad energy out so that we can move on. Like if you look at what Hitler did, and the world moved on, and Germany is what Germany is now. If you look at what Japan was, what people did to Japan, and they moved on. And it's very easy to say move on. There's so much of emotional baggage with that. There's so much of bad memories. But if we keep carrying on those bad memories, I think we're going to hurt our children. And that's coming to that level where the whole world is doing that to each other. And it's not about who's great or who's mighty, but we are leaving a very hostile environment for the children to even create or to unite or to make something with collective consciousness, to go to the next level of humanity. With natural disasters, global warming, and tsunamis happening, and things burning in Australia, America. You know, we're going to have more of that. Do we need this also? OTT platform पर जल्दी स्ट्रीमिंग होने वाला है Forgotten Army आजादी के लिए। आपको बता दें कि यह एक सीरीज है जिसे डायरेक्टर कबीर खान ने डायरेक्ट किया है, और कबीर खान का OTT platform पर यह एक डेब्यू होने जा रहा है, जिसे लेकर कबीर खान बहुत ही एक्साइटेड हैं। Do you want to? Yes, of course. The bulk of the series was actually shot in Thailand. Most of the drama unfolds in Burma. That's where most of the battles that the Azadin Fauj fought happened. But Burma, because of political reasons, we're not, you know, able to shoot there. So we recreated most of those locations in Thailand. A lot of locations which are on the border with Burma and Thailand. And there, some of the battle took place along the rivers, so that was like the river Irrawaddy in Burma, which we recreated on River Kwai in Thailand. Yeah, famous for bridge on the River Kwai. A lot of the battles that took place in the hills outside Imphal were recreated on the border with Burma and Thailand. It was used to be like a two-hour drive from Chiang Mai, and then another sort of half an hour, 40-minute trek. You can see the cast all nodding. So it was great, because I have always loved shooting on real locations. I mean, I think it's my documentary background. You put me on a set and I'm like a dead duck. But I come alive on locations, and it was great. I think for the cast, it was also like a boot camp every day as soldiers, you know, because you had to put your backpacks on, you carry your guns and walk up the hills. By the time you were ready to shoot, they were all looking and feeling like soldiers. एक बार फिर से एकता कपूर इस साल की सबसे बोल्ड वेब सीरीज लेकर आई है। जी हाँ, अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात 4 रिलीज हो चुकी है। एकता कपूर की यह वेब सीरीज अपने ट्रेलर लॉन्च के समय से ही चर्चा में है। ऑडियंस ने ट्रेलर को काफी पसंद किया और बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीजन 4 की स्टार कास्ट इस सीजन की स्टोरी के बारे में बताती हुई और अपने कैरेक्टर्स के बारे में व अपना एक्सपीरियंस शेयर करती नजर आई। कॉम्प्लीमेंट्स तो अभी तक अच्छे ही आ रहे हैं, सब बहुत पहले एक्चुअली सबने सीजन 1, 2, 3 फॉलो किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सीजन 4 के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की। लोग देखना चाहते हैं कि सीजन 4 में क्या है, तो आज स्ट्रीम हो जाएगा, तो आज से देख पाएंगे। मुझे अभी तक तो मुझे भी अच्छे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, और ट्रेलर लॉन्च पे ही, इनफैक्ट ट्रेलर जब आया था तभी स्टार्ट ही हुआ था ट्रेंडिंग एट 2, and it came on first, so I was all the more excited. मतलब अभी तो trailer आया है, so जब पूरी picture आएगी तो कितना मजा आएगा, so yeah, I really liked it.
डायरेक्टर प्रकाश झा को 10 साल से भी ज्यादा असिस्ट करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर रीतम श्रीवास्तव अब डायरेक्शन में अपना डेब्यू कर रहे हैं फिल्म तानाशाह के साथ, जिसके ट्रेलर को लॉन्च किया गया। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे टेलीविजन एंड बॉलीवुड एक्टर इंद्रनील भट्टाचार्य और दिलीप आर्य। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर इंद्रनील भट्टाचार्य को सपोर्ट करने पहुंचे टेलीविजन इंडस्ट्री के कई सारे सितारे। ट्रेलर इज वेरी पावरफुल, म्यूजिक इज ऑसम। मुझे ना म्यूजिक में एक पोर्शन है जिसमें आता है हे 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 हे, आई लव दैट पोर्शन, बहुत ही इट्स वेरी वेरी कैची, तो मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा है। आई लव द ट्रेलर, इट्स फुल ऑफ पावर एंड आई लव द एक्टिंग, आई लव द एडिटिंग, इट्स ब्यूटिफुल। मैंने तो फिल्म भी देखी हुई है तो आई वॉन्ट से मच अबाउट दैट, लेकिन आई थिंक हर इंसान ने, हर इंसान बोलूँगी, एक्टर नहीं बोलूँगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी ने परफॉर्म किया है, दे जस्ट लिविंग दैट पार्ट एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, द ट्रेलर वॉज सुपर, प्रमोशंस अच्छे हो रहे हैं, आई थिंक इट शुड रॉक।